से कल पोपगढ़ में शिक्षा निदेशालय के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। सीसीएस नियम 2008 के पार्ट बी के तहत संशोधित वेतनमान न दिए जाने के विरोध में यह आंदोलन किया गया। इसमें प्रधानाध्यापक, शारीरिक व्यायाम शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिल्प अनुदेशक, प्रयोगशाला सहायक जैसे कर्मचारी शामिल थे। इन वर्गों के कुल 850 लोगों को संशोधित वेतनमान का लाभ नहीं मिला है। धरने के समय अपने संबोधन में महासचिव डीआईएक्कर ने कहा कि छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बावजूद संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों के मामले में इनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रदेश, पुदुचेरी और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में इस श्रेणी के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान का लाभ मिल चुका है। अयप्पन ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया कि इसने संबंधित मामले की ठीक से पैरवी नहीं की। एसोसिएशन के अध्यक्ष एचएल प्रसाद सहायक